मोदी जी का तो अब कुछ रह नहीं गया, कुछ ना यहाँ गया में तो कुछ नहीं है। बिहार में तो लगता है अभी स्थिति बहुत खराब है। मोदी जी में जब आया तो विकास तो अच्छी हो रही है। ये लालटेन वाले बोल रहे हैं कि पूरा बेरोजगार हो गए हैं युवा, देश को बेच रहा है ये प्रधानमंत्री। बेरोजगार क्या हो गया है युवा, कोई बेरोजगारी पहले से नहीं था, जमाना से फूल का आ रहा है। गया अकेले कढ़ाई घुसा दिया, इसमें थोड़ा गड़बड़ा रहा है। सबको अपना पार्टी पर निष्ठा है, आज भाजपा में चल गया, कल चल गया आरजेडी में, हम क्यों करें कि इस पर निष्ठा थी। तो आप क्या करेंगे? जो मन होगा मारेंगे थी, नोटा को नोटा दबा देंगे, किसी को करेंगे। आप किसको बतावे? आप क्या नाम है आपका? देवनारायण। देवनारायण जी बताइए, गया का माहौल क्या है इस बार? ठीक है, कंटेस्ट है दोनों में। पलरा किसका भारी है? उतना तो हम लोग निरीक्षण नहीं चाहते हैं। आपकी पहली पसंद कौन है? हमारी पहली पसंद तो महागठबंधन है। सरजीत पासवान जी, लालटेन जी, माझी जी के साथ मोदी जी हैं, इससे क्या होगा? मोदी जी का तो अब कुछ रह नहीं गया, कुछ ना यहाँ गया में तो कुछ नहीं है। बिहार में तो लगता है अभी स्थिति बहुत खराब है। तो मतलब अब की बार 400 पार कर रहे हैं मोदी जी? 400 पार का 200 से अंदर है। जो रुझान आ रहा है आप लोग के माध्यम से, जो आप लोग दिखा रहे हैं उसके अनुसार बोल रहे हैं। तो मतलब हम ये समझ ले गया में लालटेन जलेगा, एकदम जलेगा, एकदम फिक्स। देखिए साफ तरीके से गया में लालटेन जलने जा रही है, और ये आम जनता से हम बात कर रहे हैं। देखिए गया लोकसभा के बोध गया मार्केट में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, और ये साफ तरीके से आम जनता से हम बात कर रहे हैं, और आम जनता से जान रहे हैं कि आखिरकार उनकी पहली पसंद कौन है। क्योंकि सर्वजीत पासवान है एक तरफ, दूसरी तरफ खुद जीतनराम मांझी है, तो ऐसे में दुकानदारों से हम बातचीत कर रहे हैं और दुकानदारों से जान रहे हैं कि उनकी पहली पसंद कौन है। कुछ और लोग हैं उनसे बातचीत हो जाती तो बेहतर होता। क्या नाम है भैया आपका? शिवशांत कुमार। तो ये बताइए कि गया का क्या माहौल है इस बार? गया में तो है काफी टक्कर का चुनाव है, संघर्षहीन है। आपकी पहली पसंद? हम तो बीजेपी का है कैंडर, बीजेपी। हाँ तो मांझी पर भरोसा कर रहे हैं आप? हाँ, मांझी जी को ही देना पड़ेगा। मतलब ऊपर देख रहे हैं, मांझी नहीं देख रहे हैं, आप ऊपर देख रहे हैं मोदी जी? हाँ हाँ। क्या अच्छा लगा मोदी जी में आपको? मोदी जी में जब आया तो विकास तो अच्छी हो रही है। ये लालटेन वाले बोल रहे हैं कि पूरा बेरोजगार हो गए हैं युवा, देश को बेच रहा है ये प्रधानमंत्री। बेरोजगार क्या हो गया है युवा, कोई बेरोजगारी पहले से नहीं था, बेरोजगारी तो था ही पहले से ही है। सही बात है। तब नीति सरकार का कुछ बनाना चाहिए, नीति बढ़िया है नहीं। जैसे जनसंख्या जो वृद्धि ज्यादा हो रहा है तो उसको कम से कम लगाम लगाना चाहिए। नौकरी फरता नहीं ना है कि नौकरी, सही बात है, आदमी जनसंख्या बढ़ते जाएगा नौकरी बढ़ते जाएगा, नौकरी तो वैकेंसी तो सीमित रहेगी ना। मतलब मोदी जी पर विश्वास है आपको? हाँ। चलिए तो साफ तरीके से ये भैया हैं और ये मोदी जी को देख रहे हैं, ऊपर जो चेहरा है मोदी जी का उन पर विश्वास कर रहे हैं, और यही कारण है कि ये जीतनराम मांझी को वोट देंगे। गया में कराही छाप का बटन दबाने जा रहे हैं, मोदी जी है तो सब कुछ है ऐसा कहना है इनका। और भी कुछ लोग हैं उनसे बातचीत हो जाती तो बेहतर होता। क्या नाम है बाबा आपका? जयराम साहु। जयराम साहु जी, ये बताइए गया का क्या माहौल है इस बार? माहौल तो ठीक है, लेकिन कढ़ाइया क्यों आ गया? कढ़ाई कढ़ाइया कहाँ हो गया, गायब हो गया? मोदी जी चाहिए तो कढ़ाइया काल से फिर जहाँ, अब तो मोदी जी उतार दिए कढ़ाई। अरे जमाना से फूल का आ रहा है, गया अकेले कढ़ाई घुसा दिया, इसमें थोड़ा गड़बड़ा रहा है। हाँ, गड़ाही से थोड़ा दिक्कत है, दिक्कत हो रहा है। फुलवा ने सब कुछ जानता है, फुलवा मोदी जानता है, अब कढ़ाइया गवा रहा था दिमाग। तो मिलने आए हैं जीतनराम मांझी? ना कहला मिले, लेकिन मोदी जी के चलते आप वोट कढ़ाही को देंगे? यही समझे, विश्वास है ऊपर मोदी पर, लेकिन बटन दबाएगा कढ़ाही पर? कढ़ाइया गवाने के बीच में दबाना पड़ेगा। ठीक, देखिए साफ तरीके से पसंद, पहली पसंद जो है वो मोदी है, लेकिन मांझी और मोदी साथ है, मांझी और मोदी साथ है, तो ऐसे में कड़ाही का बटन जो है वो दबने जा रहा है। गया की जनता का मिजाज दिखा रहे हैं कि गया की जनता की पहली पसंद कौन है, सर्वजीत पासवान या फिर जीतनराम मांझी। लेकिन मिला जुला रिस्पॉन्स आ रहा है, कुछ लोग
जीताराम मांझी पर बटन दबाने जाओ के मोहर पर जीताराम मांझी के समर्थन में बटन दबाएंगे। कुछ लोग जो है वो सर्वजीत पासवान के पक्ष में बटन दबाने जा रहे हैं, लेकिन मोदी का चेहरा जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है और मोदी के चेहरे पर लोग विश्वास कर रहे हैं और यही कारण है कि जीताराम मांझी का पलड़ा गया में भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या नाम है आपका? आर्यन। क्या माहौल है गया का, लालटेन या फिर कराही? वो तो अभी जल्द ही पता चलेगा, जल्द से ही पता लगेगा ना। आप क्या सोचते हैं? मतदान मन का दान है। मुद्दा क्या है सकते हैं? मुद्दा क्या है? मुद्दा तो आप वही चीज का है ज्यादा, बस कुछ नहीं बोल रहे हैं ना। वो यही दिक्कत है यहाँ के लोगों का, लोग बोलना नहीं चाहते हैं, ना मुद्दा पता है, ना उनको अपना आइडियोलॉजी पता है, कुछ पता वता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चुनाव नजदीक है लेकिन फिर भी जो है खुलकर बात नहीं कर पा रहे हैं, यही दिक्कत है। गया में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और हम ये जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार गया की जनता जो है वो किसको वोट देने जा रही है, तो जीताराम मांझी और सर्वजीत पासवान। चाचा क्या नाम है? नमस्ते। ठीक, हमको जानने दिया? अच्छा आप बोलेंगे नहीं? चल हाँ हाँ, बोलते तो है खोल। अच्छा इस पर नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है। क्या नाम है आपका? अरे कहा करिएगा जान के, हम जानने के लिए ही निकले हैं, हम आपसे बातचीत करने ही आए हैं। कोई फायदा नहीं है। क्या दिक्कत हो गई? ये सरकार पार्टी से कोई मतलब हमको नहीं है, कुछ भी नहीं। दो चेहरे सर्वजीत पासवान और जीताराम मांझी, किसी पर तो विश्वास होगा? सबको अपना पार्टी पर निष्ठा है, आज भाजपा में चल गया कल चल गया आरजेडी में, हम क्यों करेंगे इस पर निष्ठा? थी तो आप क्या करेंगे? जो मन होगा मारेंगे, थी नोटा को नोटा दबा देंगे, किसी को करेंगे, आप किसको बतावे आप। हाँ आंटी जी, मोदी जी कैसे लगते हैं? मोदी जी तो अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं मोदी जी? हाँ। तो काम किया है मोदी जी ने? किया है। तो गया में किसको वोट देंगे आप? मांझी जी के साथ है मोदी जी? अभी हम नहीं कह सकते किन के साथ है भाई। तो गया में दो चेहरे है, सर्वजीत पासवान और जीताराम मांझी, किसको वोट देंगे आप? अभी तो नहीं बता सकते हैं ना, अभी तो क्लियर नहीं किए हैं। आप ज्यादा समय बचा नहीं है, 19 को चुनाव है। तो उसमें जाएंगे तो सोचेंगे किनको देना है, सोचेंगे। हाँ तो जो मोदी जी के साथ रहेंगे उनको देंगे वोट? हाँ देंगे। तो मोदी जी के साथ जीताराम मांझी हैं? हाँ तो दे देंगे, उन्हीं को देंगे। हाँ। कराही पर। हाँ। तो साफ तरीके से, क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम नहीं है। नहीं है? गुस्सा, काफी गुस्से में आप, क्या हो गया? ये स्वतंत्र है, ठीक है, मतदान है, सही बात है। हम मुद्दा पूछ रहे हैं, क्या मुद्दा रहेगा वो चुनाव में? वो मुद्दा नहीं, हम बता दिए कि स्वतंत्र है, पार्टी विशेष पर बात नहीं करना है। हाँ। वो मतदान है, मत पर जाएगा, क्या होगा नहीं उस समय बताएगा। कुछ भी माहौल नहीं बता सकते आप? कोई माहौल नहीं है। तो हम सर्वे जानने के लिए निकले हैं, तो आप हमें नहीं बता सकते? सर्वे तो आप खुद बता रहे हैं कि मोदी जी के साथ जीताराम मांझी है। हाँ। तो सर्वे तो आप कर ही रहे हैं। तो मोदी जी के साथ मतलब दोनों मिले हुए हैं, हम ये बोल रहे हैं आपको, आप समझ में आ रहे हैं कुछ आपकी बात? हम बोल रहे हैं कि मोदी जी और जीताराम मांझी एक ही गठबंधन में, हम ये बोल रहे हैं आपको। वो तो गठबंधन है ही है। हम वही बात बोल रहे हैं आपको कि एक ही गठबंधन में दोनों हैं। कराही छाप यहाँ पर उतरा है जीताराम मांझी और एक तरफ लालटेन है सर्वजीत पासवान। वो तो हम नहीं बता सकते कौन कराही है कौन लालटेन है, नहीं बता सकते। नहीं। चुनाव है, आपको पता है कौन उम्मीदवार खड़ा है? नहीं सभी पता, कुछ भी पता नहीं आपको? देखिए साफ तरीके से कुछ भी पता नहीं है, चुनाव काफी नजदीक है, 19 अप्रैल को चुनाव होना है, लेकिन जहां तक लोगों की बात की जाए तो लोगों को कुछ आइडिया भी नहीं है कि जीताराम मांझी किसके साथ है, सर्वजीत पासवान कौन से चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ रहे हैं, कौन से पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ भी आइडिया लोगों को नहीं है। तो ऐसे में कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो जीताराम मांझी का पलड़ा है वो भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है गया में, क्योंकि मोदी जी उनके साथ में है और अगर मोदी जी उनके साथ में है तो लोग मोदी जी पर ज्यादा विश्वास कर रहे हैं और ऐसे में जीताराम मांझी पर लोग कहीं ना कहीं भरोसा भी कर रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं और ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे,